हेलो एवरीबॉडी मैं हूं अंकन एंड वेलकम बैक टू आर हैश टैग अंडो गुड लाइफ चैनल अभी इस टाइम पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ में दो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस जो है उसकी मैंने आपके साथ में शेयर कर रही है कि एक्टिविटीज़ कैसी हैं एंड किस तरीके से होती है मैंने एक पुराना एक वीडियो अपलोड भी किया हुआ था जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि सब्सक्रिप्शन बॉक्स जो है वो आपको क्यों लेना चाहिए वट इज़ द बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस एंड उसमें हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं अगर हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स नहीं भी लेते हैं सो so उसमें हमारा क्या ऑप्शन होता है उससे कुछ हमें नुकसान है या नहीं है सो so, अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है सो नॉट टू वरी सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू है सो so आप चैनल पे जल्दी से कर ले सब्सक्राइब और उस पर एक नीचे जो बेल बटन है उसको भी आप जल्दी से कर ले क्लिक सो दैट आप नोटिफाई हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स और फेसबुक हैंडल का दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है और साथ ही मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है मेरे ईमेल आईडी भी सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आप कुछ भी आप आपके साथ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ में सो वो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे मेल के थ्रू पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं तो so, चलिए बढ़ते हैं आज वीडियो के वीडियो की तरफ कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कौन सा रिव्यू और कौन सा अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूं सो सब्सक्रिप्शन बॉक्स का नाम है एंटली किट सो इंटली किट से हम काफी पेरेंट्स शायद उनको जानते होंगे कि इंटली किट किस तरीके से आता है उसमें कैसा है सो so, जो पेरेंट्स अभी आप नया देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए इंटली किट एंड आपको उसकी रिव्यूज के बारे में या फिर उसके अनबॉक्सिंग आपको लगता है कि उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं आप अपने बच्चों के लिए थोड़े स्केप्टिकल्स हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन बॉक्स इंटली किट के लिए जाना चाहिए या नहीं

के किड्स के लिए बिकॉज उस टाइम पे मेरी बच्ची थी टू टू थ्री इयर्स की अभी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक जंगल थीम के ऊपर एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स एंड दैट इज फॉर ईयर इ्री टू फोर ईयर्स के बच्चों के लिए बिकॉज अभी मैं अपने बच्ची के लिए थ्री टू फोर ईयर्स का ही ले रही हूँ सेकेंड जो चीज आती है वो है कि इंटली किट में आपको क्या क्या चीजें आपको अवेलेबिलिटी होती है आपको क्या क्या उसमें मिल सकता है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ इंटली किट में जो आपको चीज़ें मिलेगी वो है आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस आप या तो सिंगल सिंगल बॉक्स जाके जो फर्स्ट क्राई की वेबसाइट है वहाँ से ले सकते हैं या फिर वहाँ पे आप अवेलेबल रहता है थ्री मंथ्स सिक्स मंथ्स एंड ट्वेल्व मंथ्स की आपका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं यानी कि आप एक डेट पर आप एक बुक बॉक्स जो है उसका बुक करते हैं उसकी पेमेंट देते हैं एंड एवरी मंथ जो है आपके घर पर आती है सब्स जो इंटली किट है इंटली किट का सब्सक्रिप्शन बॉक्स सब्सक्रिप्शन so, बॉक्सेस में आपको रहती एक्टिविटीज एक स्टोरी बुक रहती है और साथ ही उसमें जो वीडियो है वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंटली किट का थीम बॉक्स जो है जंगल बुक थीम का सो so आपके साथ में सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग शेयर करती हूँ एंड उसके बाद में रिव्यू शेयर करूंगी कि इंटली किट में मुझे क्या अच्छा लगा शुड आई गो फॉर इंटली किट और नॉट मैंने इंटली किट का क्या सब्सक्राइब किया हुआ है सो आइए चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग की तरफ सो so, सबसे पहले हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स ओपन करने के बाद इस तरीके से उसकी प्लास्टिक रैपिंग रहती है एंड देन उसको जब हम ओपन uh, करते हैं सो so, उसका आपका नीचे यहाँ पे लिखा रहता है ओपन में यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टिकर uh, या कुछ आपको लगा हुआ नहीं रहेगा इट इज़ डायरेक्टली यू कैन ओपन अप ये इस तरीके से टोटली एक कार्डबोर्ड की बॉक्स आती है सो पैकेजिंग इज ओके फाइन एंड सेकेंड जो आती है यहाँ पे सबसे पहले है कि हाउ टू यूज़ दिस बॉक्स वो आता है सेकेंड आती है यहाँ पे आपको कुछ स्टार्स दी रहती हैं सो दैट यू कैन अप्रिशिएट योर किड्स नाउ कम्स द ट्रैक कैलेंडर यानी कि जो आपके एक्टिविटीज़ हैं वो पूरा आप इसके थ्रू पे देख सकते हैं वीक बाई वीक नाउ कम्स इज द ट्रैकर कि आप ट्रैक किस तरीके से कर सकते हैं सोशली इमोशनली uh, आपके बच्चे की किस तरीके से ग्रोथ हुई है वो हैप्पी ट्रैकर आप इसके थ्रू पे ट्रैक कर सकते हैं अगर कोई भी डिफिकल्टी स्टिल किड इज़ फेसिंग विद द हेल्प ऑफ द अपकमिंग एक्टिविटीज़ उसके बाद में आप वापस से इस ट्रैकर को देख सकते हैं सो टाइम टू टाइम यू कैन चेक टू हैव एन फ्रेश आइडिया की वॉट एग्जैक्टली योर किड इज़ फॉलिंग इन टू विच कैटेगरी अब इस तरीके से प्लास्टिक की कवरिंग्स में एंड एक्टिविटीज़ के नंबरिंग करते हुए आपको एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी जाती हैं सो ऐसा ऐसा टोटल सेवन एट यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं सो so, जो कलर्ड है ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं अपने इस बॉक्स में एंड बाकी आपको पूरे लर्निंग ट्रैकर जो रहती है उसमें आपको ऑप्शंस दे दिया जाता है कि आप कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं वो मैं आपके साथ में आके डिस्कस करती हूँ सो इस तरीके से सारे जो हैं एक्टिविटीज़ वन बाय वन पैकेट में होते हैं सो आप जब भी एक पैकेट ओपन करके आप देख सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एक साथ आपको ओपन करने की ज़रूरत पड़े सो so, अभी अगर मैं एक्टिविटीज़ को वन बाय वन आपके साथ शेयर करती हूँ तो सबसे पहले कि एक्टिविटी में आपको इस तरीके से फर्स्ट एक पैम्फलेट दिया जाता है जहाँ पे हाउ यू हैव टू डू द एक्टिविटी वो आपको ढूंढना है और साथ ही नीचे आपको और दो तीन दिनों की आप एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर किया जाता है एक्टिविटीज़ की जो क्वालिटी होती हैं वो इट इज़ ओके बट आई फेल्ट कि पहले से थोड़ी डिग्रेड हुई हैं अभी इनकी uh, जो यू uh, नो you know, जो क्वालिटी है दैट आई फेल्ट कि शायद बच्चे जल्दी से फाड़ सकते हैं बट अदरवाइज़ इनकी पैकेजिंग इज़ वेरी नाइस जिस तरीके से पैकेज करते हैं जिस तरीके से ये देते हैं बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट रहता है जैसे कि इस तरीके से क्यूब्स हो, इस क्यूब्स को आपको ऑलरेडी बनाया हुआ रहता है सो यू डू नॉट हैव टू कट एंड पेस्ट सेकेंड है पामपॉम्स जो रहती हैं वो पामपॉम्स pom की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है क्वालिटी वाइज इट इज़ ऑल नॉट दैट मच ऑफ बट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे फील हुई अदरवाइज़ इस टाइप की जैसे इस एक्टिविटी में जो कट बोर्ड्स की जो कटआउट जो रही हैं एज़ यहाँ पे बच्चों को असम्बल करना है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सो विच यू कैन बैंग ऑन की इन सारी चीज़ों में इनकी क्वालिटी बहुत थिक है सो आई लव दिस एक्टिविटी का सेकेंड ये जो है लेमिनेटेड शीट रहती है लेमिनेटेड पेपर विथ जैसे आपको पेन वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे, सो so, ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप एक ही एक्टिविटी को काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं ना एक्टिविटीज़ काफ़ी सोची समझी हुई रहती हैं सो so, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली जब हम बच्चों को होम स्कूलिंग के लिए दे रहे हों एंड जो जो पॉइंट्स दिए रहते हैं अपने इनके यू नो एक के बाद एक इनके पैम्फलेट में वो भी बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं दिस इज ऑल्सो विच ऑब्वियसली यू नीड टू नो अबाउट बट इस तरीके के जो कार्डबोर्ड्स की जो आई आई हैं वो थोड़ी सी आ, मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी क्वालिटी सो उसी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा अदरवाइज ओवरऑल सारे एक्टिविटीज़ की जो क्वालिटीज़ हैं वो मुझे अच्छी लगी ऑब्वियसली आई लव इंटलीकेट उनका आ, जो सोचा समझा जो रहता है हाउ वी हैव टू प्ले दोज थिंग्स आई लव एंड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ वेलक्रब्स दैट ऑल्सो आई डू लव बिकॉज ये वेलक्रब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों को लग ना जाए बच्चों को फेविकॉल ना दें ये ऑलरेडी वो ले सकते हैं एंड देन दे कैन डू इट एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो विच इज़ वेरी गुड फॉर द किड्स इस तरीके से दिया हुआ है उनको शेप्स वो शेप्स जो उनको लेना है एंड दे हैव टू वर्क ऑन ऑन दैट सो बच्चों को आप हल्का हल्का तो थोड़ा थोड़ा सा आप उनको गाइडेंस दोगे एंड बच्चे अपने आप कर सकते हैं एंड उससे उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड आउट होती है नेक्स्ट इनकी जो फाइनल एक्टिविटीज़ हैं वो है इस तरीके से एक बुक देते हैं ये बुक मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है ये बुक पहले जो है वो थोड़ी सी और थिक मटेरियल में आ रही थी अभी थोड़ा सा उनका मटेरियल चेंज हो गया है इवन uh, जो ये फ्लैश कार्ड्स हैं ये फ्लैश कार्ड्स की भी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी चेंज लगी अदरवाइज दिस बुक इवन माई किड्स ऑल्सो शी लव दिस बुक एंड ये जो वर्कशीट्स हैं पहले ये वर्कशीट थोड़ी थिक में आ रही थी मटेरियल में थिक पेपर में अभी ये वर्कशीट्स थोड़ी पतले में आ रही हैं शीट्स अदरवाइज वर्कशीट्स भी बहुत यूजफुल होती हैं बच्चों के लिए मी एंड माई किड वी बोथ एक्चुअली एन्जॉय दिस एक्टिविटीज़ एंड द स्टोरी बुक so here are a few videos which i'm sharing of my kids how she is enjoying and generally how uh, whenever the intricate uh, it comes uh, so how i play with her those all things details i'll share with you in my videos end part so do watch the video till the end the kids uh, can do the activities of their own they will love this activity you just have to probe them a little bit you have to guide them a little bit and they do enjoy this kind of dice games the kids enjoy to do the kids enjoy you know how you play with them the puzzles also especially f of three years old kids they love to do the puzzles so just give them a little bit hint or just make them understand how the situations are going to be the kids can uh, do the activities of their own and i'm very sure your kids will also love these activities and when it comes towards the worksheets the worksheets they can do their own also so this worksheets obviously will help सो so फ्रेंड्स ये था मेरा अनबॉक्सिंग का वीडियो आई होप आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो पसंद आया हो साथ ही साथ मैंने आपके साथ में शेयर किया कि वहाँ पे कौन कौन सी चीजें रहती हैं एंड उस एक्टिविटी को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं अब फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे कि मेरे वीडियो के यहाँ पे एक कैलेंडर टाइप का बना हुआ है दिस इज द सेम कैलेंडर जो मैंने इंटलीकेट के आपके वीडियो में दिया हुआ था कि आपको एक लर्निंग ट्रैकर कैलेंडर मिलता है विद एक्टिविटीज सो ये वही कैलेंडर है जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है अपनी बच्ची के लिए सो so दैट वो एवरी डे जो है मेरे को एक अलग सा एक्टिविटी रहे फॉर द किड्स सो विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जो एक थीम के साथ साथ में एक इंटरेस्टिंग सोच है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इंटली किट की सो so, इसके थ्रू पे क्या है अभी मेरे बच्चे को मैं बता सकती हूँ कि इंटली किट में आप जाके आ, आज डे वन है डे टू है एंड मैंने यहाँ पे डेट्स भी लिख रखी है सो so, उस डेट के हिसाब से मैं उसको बोलती हूँ कि टुडे इज दिस डेट टुडे इज दिस डे एंड आज के इस डे पे इस डेट पर हम लोग आज ये एक्टिविटी भी करेंगे सो so, उससे जो है बच्चा बहुत ज़्यादा उनमें जम आ जाती है काफ़ी ज़्यादा वो उसके उसको लेके काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि यस आज के इस एक्टिविटी में क्या है टुडेज एक्टिविटी व्हाट इज़ टुडेज एक्टिविटी सो जब हम ये एक दो महीना करते रहेंगे सो so, ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में उनके अंडरस्टैंडिंग में एक बैठ जाएगा कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डूइंग फ्रॉम डे टू डे उनका इस तरीके से जो रहेगा करिकुलम रहेगा या फिर उसका उनका डे टू डे इस तरीके से चलने वाला है सो इंटली किट का जो है मैंने अभी सिक्स मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है आज का वीडियो मेरा पे एंड करती चैनल इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड जिनको भी इस टाइप के सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस के लिए वो सोच रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं सो टू आउट ऑल माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो एंड आज की वीडियो भी भी आप अगर आपको हेल्पफुल लगा हो सो so नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा एंड इसको आप शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में सो so मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय बाय